हेलो गाइस, कैसे हो। तो आज के वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूं दोस्तों, क्योंकि मेरे बहुत सारे वर्कर भाइयों का कमेंट था कि अभी जो दुबई में एम्प्लॉयमेंट वीज़ा निकल रहा है उतना टाइम क्यों ले रहा है और कितना टाइम लगता है एम्प्लॉयमेंट वीज़ा निकलने में, या फिर ऑलरेडी जो यहाँ पर विजिट वीज़ा में आ चुके हैं मेरे वर्कर भाई लोग, तो वो लोग भी कॉमेंट करके पूछ रहे हैं कि भाई मेरा कंपनी ने एम्प्लॉयमेंट वीज़ा के लिए अप्लाई किया बट बहुत टाइम लग रहा है, अभी तक क्यों नहीं आया, इसमें कितना टाइम होता है। तो बहुत सारे इस तरह का कॉमेंट था, तो मैं सोचा जो भी मेरा 10-12 साल का यहाँ का एक्सपीरियंस है दोस्तों, उस बेस पर मैं आपको यहाँ के रियलिटी जो है वो बताने की कोशिश करूँ, क्योंकि एजेंट क्या बोलता है वो तो मुझे मालूम नहीं, और यहाँ पे न्यूज़ भी नेगेटिविटी ज़्यादा चलता है। तो जो यहाँ पे डे टू डे लाइफ में होता है और क्यों लेट हो रहा है, इसका कारण क्या है और कब तक कितना टाइम लगता है, प्रॉपर एक्सप्लेन करने वाला हूँ इस वीडियो में। तो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ज़्यादातर मैं कंपनी से रिलेटेड ही वीडियो बनाता हूं, बट कुछ ऐसा आप लोग का कमेंट आ जाता है अपने वर्कर भाई लोग को। तो आप जैसा कि मालूम है कि मैं खुद वर्कर हूं यार, तो मेरे पास जो नॉलेज है मैं अपने चैनल के माध्यम से आप लोग से शेयर करता हूं, और आप लोग के पास भी जो भी नॉलेज आप कमेंट बॉक्स में लिखो, आपसे भी मैं सीखने के लिए तैयार हूँ दोस्तों, क्योंकि हम लोग वर्कर के पास जो भी नॉलेज होता है एक दूसरे को शेयर करेंगे तो ही हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि बड़े बड़े लोग अपना इन्फॉर्मेशन बताते रहते हैं, बस हम लोग छोटे लोग आपस में नहीं शेयर करते हैं नॉलेज। तो चलिए शुरू करता हूँ और बताता हूँ कि यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट वीज़ा में इतना लेट क्यों हो रहा है और विजिट वीज़ा से एम्प्लॉयमेंट वीज़ा होने में कितना टाइम लगता है। तो एक्चुअली क्या है दोस्तों कि अभी यहाँ पे मैं रियलिटी के बेस पे आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पे एग्जैक्ट अभी टाइम क्यों लग रहा है। दो इसका कारण है, आप ध्यान से ये वीडियो देखें तभी आपको समझ में आएगा, और चलता वीडियो भर में 4 अंक का कोड आएगा भाई साहब, वो कोड के साथ आप कमेंट करोगे तो आपके भाई के पास जो भी नॉलेज है यहाँ का 10-12 साल का जो भी नॉलेज है मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगा और ज़रूर रिप्लाई करूँगा, मगर कोड के साथ, क्योंकि आप लोग पूरा वीडियो नहीं देखते हैं और सीधा कमेंट कर देते हैं कि भाई ये क्या, मतलब जो भी आपका दिल में कमेंट होता है, तो कोड के साथ आप कमेंट करोगे तो आपका भाई ज़रूर रिप्लाई देगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एक्चुअली क्या है दोस्तों, यहाँ पे दो कारण है लेट होने का अभी एम्प्लॉयमेंट वीज़ा, पहले थोड़ा जल्दी हो जाता मगर अभी लेट हो रहा है, इसके पीछे कारण है। इसके पीछे क्या कारण है कि अभी एक्चुअली तो एक तो कोरोना काल है, क्योंकि बीच में नया वेरिएंट ज़्यादा बढ़ गया था दुबई में, अभी धीरे धीरे थोड़ा स्लो हो रहा है बट नया वेरिएंट बढ़ रहा है, तो सरकार धीरे से भी आदमी लोग जो वीज़ा का काम धाम देखता है, ज़्यादातर वीज़ा का काम अरबी लोग ही देखता है, क्योंकि थोड़ा बहुत लिखा पढ़ी का काम वो लोग करके, वो लोग ही मेन जो होता है ऑफिस वगैरह में वही लोग देता है, तो वो लोग को धीरे से टास्क भी देता है कि अभी एम्प्लॉयमेंट वीज़ा में थोड़ा लेट करो, ताकि लोग यहाँ पर ज़्यादा ना आ जाए, अप्लाई ज़्यादा होता है दोस्तों, वो लोग काम आराम से करते हैं। फर्स्ट ये हो गया कोविड के चलते, मतलब अभी थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है एक्चुअली, आप लोग टेंशन मत लेना। तो फर्स्ट कारण तो आपको पता चल गया कि कोविड के चलते यहाँ पे अभी लेट हो रहा है, एग्जैक्टली लेट हो रहा है, आप लोग टेंशन मत लेना, ये आपको हो जाएगा। अगर कंपनी अप्लाई करेगा या फिर एजेंट अप्लाई करवाया होगा कंपनी से, तो आपको आज नकल ज़रूर होगा, थोड़ा टाइम लगेगा, सही है ना। अगर रिजेक्ट होना होता है तो तुरंत मैसेज आ जाता है, जैसे ही आदमी अप्लाई करता है तुरंत मैसेज आ जाता है रिजेक्ट का, जब भी एम्प्लॉयमेंट वीज़ा रिजेक्ट होता है। दूसरा इंपॉर्टेंट कारण क्या है दोस्तों, क्योंकि आप भी देखिए पहले गवर्नमेंट सेक्टर में यहाँ पर 1.5 दिन छुट्टी होती थी, मतलब जुमरात को हाफ डे और जुमा को, सही है ना। बट अभी क्या हो गया, आपको लोग भी न्यूज़ वगैरह में सुने होंगे कि कोई कोई शारजा में तो 3 दिन छुट्टी दे दिया गवर्नमेंट सेक्टर वाले को, और दुबई में 2.5 दिन, मतलब देखिए जुमे हाफ डे, सैटरडे संडे, तो 3 दिन तो लगभग ऐसे ही निकल जाता है। तो अभी पहले के इतना काम नहीं फास्ट हो पाएगा, क्योंकि 4 दिन हफ्ते में 4 दिन काम करना ही है, और आपको मालूम है कि यहाँ पे अरबी लोग एकदम काम स्लो करते हैं, पहले से ही काम स्लो करते थे बट छुट्टी आने की वजह से और वो लोग ढीला पड़ गए, 3 दिन ऐसे ही छुट्टी निकल गया। तो इस कारण से आप लोग बिल्कुल टेंशन मत लेना दोस्तों, हाँ एजेंट अगर अप्लाई करवाया होगा कंपनी से या कंपनी अप्लाई किया होगा तो आपका आज ना कल ज़रूर होगा। तो ये दो मुख्य कारण थे दोस्तों, मतलब वीज़ा एम्प्लॉयमेंट वीज़ा लेट होने में, और मैं यही सलाह देता हूँ हर भाइयों को कि आपको अगर यहाँ आना है तो एम्प्लॉयमेंट वीज़ा में ही आना है। हाँ अगर कोई एजेंट ट्रस्टेड एजेंट है जो अच्छा काम कराता है और विजिट से इम्प्लॉयमेंट करने के लिए बोल रहा है, या बाद में अगर वो नहीं करता है उससे अपने पैसे वसूल कर सकते हो तो ही आप यहाँ पे आओ, नहीं तो विजिट पे मेरे ख्याल से रिस्क यहाँ पे ज़्यादा है, क्योंकि जॉब से ज़्यादा यहाँ पे ऑलरेडी विजिट में लोग यहाँ आ चुके हैं। इसीलिए मैं आप लोग से, मैं अपने वर्कर भाइयों के नाते मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि ताकि आप लोग को भी मुसीबत में ना फंसे भाई लोग। तो यही कारण था, दो कारण दोस्तों, मैं सोचा आप लोग के साथ शेयर कर दूं और जो मेरे पास नॉलेज है मैं आप लोग को बता दूं। तो जो भी सवाल आप कमेंट में लिखो आपका भाई ज़रूर जवाब देगा, लेकिन कोड के साथ लिखना भाइयों। नेक्स्ट वीडियो मिलता हूं, जब तक गुड बाय।